हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गगनदीप वधावन और आप देख रहे हैं आम आदमी एकेडमी ऑन यूट्यूब। तो बेटा, मैंने अपने लास्ट वीडियो में वुर्ज रिएक्शन के बारे में बात की थी। थोड़ा सा मैंने एफर्ट डाला था उसको, वीडियो को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर जो है, मैं वुर्ज फिटिक सेम ही कैटेगरी की जो रिएक्शन है उसके बारे में बात करूंगा। ये रिएक्शन जो है क्लास 12th के अंदर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स वाला जो चैप्टर है उसमें नेम रिएक्शन के अंदर जो है वो गिवन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मिक्सचर हमने लेना है एल्काइल हैलाइड का। बेटा, एल्काइल हैलाइड मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आई होप एल्काइल हैलाइड सबको मालूम हो गया होगा कि इसमें हम लोगों के पास कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, चेन भी हो सकता है, साथ में क्या अटैच है, हेलोजन ग्रुप अटैच है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्काइल हैलाइड जो है वो बोल देते हैं। एक टर्म हम लोगों के पास इस रिएक्शन में इस्तेमाल कर रखी है बेटा जी, वो है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होता है बेटा, जब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी हेलोजन जुड़ा हो तो उसको हम लोग एराइल हैलाइड जो है वो बोल देते हैं। सेम रिएजेंट जो है वो इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम रिएजेंट जो है बेटा हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो जरा क्या करेंगे, हमने यहां पे एराइल हैलाइड लिया, ये ले लिया यहां पे, साथ में हमने डाला बेटा जी इसके अंदर सोडियम, और साथ में हमने जो है कोई भी एल्काइल हैलाइड जो है वो इसके अंदर हमने ले लिया। क्या रिएजेंट डालना है आपको इसके अंदर, वही जो हमने वुर्ज रिएक्शन में इस्तेमाल किया था। वुर्ज रिएक्शन में हमने क्या इस्तेमाल किया था, ड्राई ईथर इस्तेमाल किया था सोडियम की प्रेजेंस में। होगा क्या बच्चा जी, इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान दो आप, हो क्या रहा है इसके अंदर, ये जो X है और ये जो सोडियम है, मैं दो करके लिख रहा हूं इसको यहां पे, और साथ में X और CH3 लिख रहा हूं। तो बेटा आप थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें ये वाला जो ग्रुप है ये अलग निकल आएगा इसके अंदर, और हमारे पास फाइनल आउटकम के अंदर एक हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो रहा है इस केस में जो है CH3, और साथ में सोडियम का हैलाइड जो है वो अलग निकल जाएगा। आई होप ये क्लियर है, बहुत सेम रिएक्शन है, बस डिफरेंस क्या है वुर्ज रिएक्शन और वुर्ज फिटिक रिएक्शन में। वुर्ज रिएक्शन के अंदर जो भी एल्काइल हैलाइड बेटा हम लोग यूज कर रहे थे, वो दोनों एल्काइल हैलाइड्स जो थे वो बेंजीन वाले नहीं थे। एल्काइल हैलाइड्स वैसे बेंजीन वाले होते ही नहीं है, तो वो हम लोग एल्काइल हैलाइड्स यूज कर रहे थे, जबकि इसके अंदर हम लोग एक एराइल हैलाइड यूज कर रहे हैं और दूसरा जो है हम लोग एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं। तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मेरे को कोई भी हाइड्रोकार्बन अटैच करना है तो ये बेस्ट वे है बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोकार्बन्स को अटैच करने का। आई होप ये क्लियर है। तो मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, आइए। तो ये जो रिएक्शन है बेटा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से जो है वो टेक प्लेस करती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से कैसे टेक प्लेस करती है, देखो अगर मैं एक केस लेके चल रहा हूं यहाँ पे क्लोरीन का, तो जो सोडियम है वो क्लोरीन को इनविटेशन भेजता है कि तू इसको छोड़ दे, और यहाँ पे होमोलिटिक फिशन जो है वो टेक प्लेस करता है। होमोलिटिक फिशन का मतलब क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है और जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। तो जब ये होमोलिटिक फिशन होता है तो हमारे पास क्या बनता है, बेंजीन का एक रेडिकल फॉर्म हो जाता है बेंजीन का। सेम होमोलिटिक फिशन बच्चा जी CH3 Cl वाले कंपाउंड में भी हो रहा है, यहां से भी जो है वो ब्रेक कर जाता है। ब्रेक करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इसको चले जाते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता है तो ये क्या बन जाता है, CH3 रेडिकल बन जाता है। ये दोनों रेडिकल्स बेटा आपस में क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, क्योंकि दोनों जो है वो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आपस में कंबाइन करके जो है ये टॉलिन का इस केस के अंदर जो है वो फॉर्मेशन कर रहे हैं। बाकी तो मुझे लगता है बेटा आपको ये रिएक्शन क्लियर है। तो आप लोगों ने अगर मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अब तो कर दीजिए ना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून्ड, बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे कमिंग टू यू गाइस। थैंक यू।